बंदी करा दी, क्या फायदा होगा? फायदे वही गिनाते हैं जो सेल्समैन का काम, जो विद्यार्थी और पुलिस की खास करके सेना की तैयारी करता है, उसके घर पर भी झगड़ा होता है तो उसमें नहीं रहता है। अलग घटा है कि 4 साल के बाद उन्हें सेना नहीं, उन्हें मजदूर बना दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रविशंकर ब्लॉग्स, और स्वागत है आप सभी का। ये जो प्रोपेगंडा देश में चल रहा है, कौन चला रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? चारों तरफ और देशबंदी, नोटबंदी, बहुत कुछ करा दिया आप, नोटबंदी करा दी, क्या फ़ायदा हुआ देश को? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बोले कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, हुआ क्या? अरे आपने नोटबंदी करा दिया, उसके बाद पुलवामा अटैक हो गया, क्यों हो गया, क्यों नहीं खत्म हो गया? और क्या आतंकवाद खत्म हो गया? दिन पे दिन कभी ना कभी हमारे हमारे जो सेना है शहीद होते जा रहे हैं। आप जो भी नियम लाते हैं ना, देश विरोध के लाते हैं। किसान आंदोलन है किसान के फायदा के लिए, अगर इतना ही फायदा होता तो ये 1 साल से ज़्यादा किसान हमारे विरोध नहीं करते और आपको वापस नहीं लेना होता। और उसी के तहत आप फिर से ला दिए अग्निपथ के अग्निवीर योजना और कह रहे हैं कि इसमें फायदे ही फायदे हैं। पता है फायदे वहीं गिनाते हैं जो सेल्समैन का काम करते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये लो इतनी की छूट है, बम्पर ऑफर, बम्पर धमाका। और उनके जो आदमी होते हैं 10-20-50 जितने भी बगल में आके खड़े हो जाएंगे किसी और के और कहेंगे कि यार मैंने ये खरीदा था, इसमें बहुत फ़ायदा हुआ था। और वहीं जो आपके आदमी हैं ना इसमें, वो है आपके मंत्री और नेता, वहीं काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा गिना रहे हैं और आप बने हैं सेल्समैन। मोदी जी ये सब बंद कीजिए, चलने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये जो क्या क्या नाम दिया जा रहा है, जो युवा कर रहे हैं कि उपद्रवी, अरे ये वही विद्यार्थी है जब इनके माँ बाप जो बाहर अगर कमाते थे, पिता आज जब पैदल चलकर आए, कोरोना में कोई विरोध नहीं किया, जब सांस ऑक्सीजन प्रॉब्लम था तब भी कोई विरोध नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्या उस समय नहीं कर सकते थे? और एक बात जानते हैं आप, जो विद्यार्थी और पुलिस की खास करके सेना की तैयारी करता है, उसके घर पर भी झगड़ा होता है तो उसमें नहीं रहता है, अलग हट जाता है या उससे दूर रहता है, क्यों? क्योंकि जब उसके नाम पर एक बार ही FIR रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उस सेना के लायक नहीं रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से हट जाएगा, वो कभी सेना नहीं बन सकता है। और इसी उम्मीद से वो झगड़ा भी नहीं करता है। और सोचिए आज इतने समय में वो विद्यार्थी इस तरह क्यों कर रहे हैं? उन्हें पता है कि 4 साल के बाद उन्हें सेना नहीं, उन्हें मजदूर बना दिया जाएगा। मजदूर समझते हैं किस टाइप का? 4 साल के बाद ट्रेनिंग लेकर आप जानते हैं क्या कीजिएगा? RSS ज्वाइन करवाइएगा, बजरंग दल ज्वाइन करवाइएगा, और बोलते हैं कि ये जो BJP का ऑफिस है वहाँ पर रखिएगा, अबानी अंडानी का जो कंपनी है उसमें कहिएगा कि जाइए और उस कंपनी का राखवर और रखवारी कीजिए, यहीं करवाइएगा। अरे सेना कौन बेचता है? बेचने का काम चल रहा है, सब कुछ बेच दीजिएगा। जिस दिन सेना बिक जाएगा ना, देश बिक जाएगा। देश सुरक्षित है जब तक हमारे सेना हमारे साथ है। और सेना का जो ये नियम है, प्रत्येक साल 50,000 भर्ती करना होता है, वो भी रेगुलर परमानेंट नियमित, और आप हर एक साल 46,000 करेंगे, उसमें से कह रहे हैं कि 25% कन्फर्म। और ये 25% कन्फर्म नहीं है, बल्कि अप टू 25% है, यानी 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3% भी, और 25% भी, जो कि कभी होगा नहीं। और ये सब का सब आपका चाल है, हर एक चीज़ बेचते जा रहे हैं, रेलवे हो, कोयला हो, हर एक चीज़ आप बेच रहे हैं, सब कुछ बेचने का नाम ले रहे हैं। देश आपका है कि आपके बाप का है? देश पूरे जनता का है। आज युवा इस हद तक आगे जा चुका है, क्यों जा चुका है? लेकिन उन युवाओं से निवेदन है, नम्र निवेदन है कि जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस तरह का जो रेलवे का संपत्ति जला रहे हैं, मत जलाइए, क्योंकि सरकारी संपत्ति आपको भी पता है कि सरकार का नहीं है, ये आपका है, हमारा है। और ये पैसा ही हमसे ही लेंगे, टैक्स करके लेंगे, और वस्तुओं का दाम बढ़ा कर लेंगे, पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा हो जाएगा, सब कुछ फिर हमें ही देना है, हम गरीबों को ही देना है। ये सेना में क्या जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनके बेटा होते हैं क्या? अगर होते भी हैं, सुन लीजिएगा, किसी मंत्री का बेटा भी है तो पता है किस रैंक पे होते हैं? कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट, इस पद पे होते हैं। और ये कभी जंग लड़ने जाते नहीं हैं, जंग लड़ते हैं हमारे सिपाही GD और नायक, जो कि GD रैंक के होते हैं। और ये बनते हैं हमारे और आपके जैसे घर के, यानी किसी के पिता किसान होते हैं तो किसी के पिता मजदूर होते हैं, किसी के पिता रोज़ कमा कर अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनका ही बच्चा सपना रखता है कि आर्मी बनेंगे, सेना बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। 4 साल एक क्या नियम है? 30 से 40 हज़ार, उसके बाद 11 लाख। अरे उसमें तो आपका जो नियम है कि हमारा देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, कि 2014 के पहले ही आज़ाद हो गया था। ये जो नया नया नियम ला रहे हैं, नया नया कानून ला रहे हैं, और ये जो आर्मी भर्ती आप ला रहे हैं, क्या 2014 से पहले नहीं होता था? क्या उससे पहले हमारा देश की सेवा सेना नहीं करते थे? आप जो ला रहे हैं सिर्फ फायदा ही फायदा गिना रहे हैं। बंद कीजिए साहब, आपने बहुत कर दिया। बस उन दोस्तों से, उन साथियों से निवेदन है कि आप शांति बनाकर प्रदर्शन करें। देखिए किसान आंदोलन हुआ, 1 साल से लंबा समय तक चला, जिसमें 700 हमारे सैन्य किसान मर गए, लेकिन किसान जो कानून था उसको वापस लेना पड़ा और ये भी वापस होगा। बस आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। धन्यवाद।